नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आज हम आपको बताएंगे न्यू बजाज डीसी 2050 डीलक्स एयर कूलर की प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट नॉलेज और इसकी क्वालिटी के बारे में हम बताएंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। ये देखिए, ये लगा हुआ है बजाज डीसी 2050 न्यू डीलक्स एयर कूलर। इसकी अगर लुकिंग की बात किया जाए तो बिल्कुल एलिगेंट लुक के अंदर है, पूरा वाइट कलर के अंदर है और फुल ABS बॉडी के अंदर ये कूलर है। साथ ही इसके अंदर आपको मिल रहा है 18 इंची का फैन साइज है, इसके अंदर दिया हुआ 18 इंची का फैन साइज है। साथ में आपको कैस्टर व्हील्स लगे हुए हैं, नीचे आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये कैस्टर व्हील्स लगे हुए हैं। साथ ही वाटर लेवल इंडिकेटर भी है इसके अंदर, आपको लार्जेस्ट 70 लीटर का इसके अंदर वाटर टैंक है। इसकी अगर पैड की बात किया जाए तो ये 3 साइड पैड लगा हुआ है। ये देखिए साइड पैड है, बहुत ही लॉन्ग साइज का हनीकॉम पैड साइज दिया हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा बैक साइड में भी बहुत ही बिग साइज के पर्दे लगे हुए हैं जो कि आपको कूलिंग को बेहतर करता है। जैसे आप कोई भी कूलर लेते हैं, जितना बड़ा उसका पैड का एरिया होगा उतना ही ज़्यादा आपको कूलिंग का एहसास कराएगा। इस कूलर के अंदर भी ये खासियत है, इसकी पैड जो हैं बहुत ही बड़े साइज के हैं तो बेहतर कूलिंग कर सकता है। लगभग आपको 750 स्क्वायर फुट एरिया ये कूलिंग कर सकता है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। इसकी अगर बात किया जाए मोटर की तो इसमें आपको 3 स्पीड का मोटर लगा हुआ, हाई मीडियम लो का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें स्विंग और पंप दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर स्विंग और पंप इकट्ठे चलाना चाहते हैं एक बार, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। अगर पंप और स्विंग बंद भी करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। वनली स्विंग पे चलाएंगे तो वनली स्विंग पे भी चलेगा, सारा ऑप्शन दिया हुआ है। साथ में इसके अंदर आपको LED इंडिकेटर है, आपका फ़ैन करंट वगैरह बाईपास की सारी डिटेल आपको दे देगी। इसके अलावा इसमें आपको मिल रहा है बड़े साइज का आइस चैम्बर दिया हुआ है, लगभग 2.5 से 3 लीटर का बर्फ इसके अंदर आप एक बार में डाल सकते हैं। क्योंकि अगर इस बर्फ़ को इसके अंदर आप डालते हैं तो जितना ये पानी के अंदर जाएगा, पानी जितना ही ठंडा होगा कूलिंग आपको उतना ही कूलर ज़्यादा करेगा। इसके अंदर ब्लेड की अगर बात किया जाए तो पूरा ABS बॉडी का ब्लेड लगा हुआ है जो नॉइजलेस ऑपरेशन करता है। ये कूलर अगर आप कमरे के अंदर भी चलाएंगे तो आपको बिल्कुल नॉइज पता भी नहीं चलेगा कि कूलर चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये आउटलेट दिया हुआ है, ओवरफ्लो वॉल्व इसको बोलते हैं, अगर पानी टैंक में ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ से निकल जाएगा। इसके अलावा बैक साइड से भी वाटर इनलेट है, अगर पानी यहाँ से डालना चाहते हैं तो आसानी के साथ इसमें डाल सकते हैं आप पाइप वगैरह से। इसके अलावा देखिए साइड में भी ऑटो फिल दिया हुआ है का फंक्शन है, अगर डायरेक्ट पाइप भी लगा के छोड़ देंगे इसके अंदर तो ऑटो फिल जितनी पानी की आवश्यकता होगी ऑटोमेटिक ये कूलर अपने अंदर ले लेगा। इसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है आपको वाटर लेवल इंडिकेटर, आपके टैंक के अंदर कितना वाटर है नहीं है वो सारा इसमें शो करेगा। इसके अलावा ग्रिल की अगर बात किया जाए इसकी तो ग्रिल को आप एंड डाउन कर सकते हैं, जैसे कि आपको एयर को कहीं भी आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी आपको एयर की ज़रूरत होगी तो आप एक जगह से दूसरे जगह पे इसको फ्लो को चेंज कर सकते हैं, रास्ते को बदल सकते हैं। इसके अलावा पर्दे की अगर बात किया जाए तो पर्दे को आप इजीली खोल के साफ सफाई कर सकते हैं, और जितने भी कूलर आते हैं मार्केट के अंदर उसमें आप इतनी आसानी से साफ सफाई नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर जो है पर्दे को खोलने के लिए बैक साइड में आपको एक लॉक दिया हुआ है, आप लॉक को इजीली घुमा के ओपन करके पर्दे को बाहर निकाल सकते हैं और टैंक को बिल्कुल खोल सकते हैं, इसको टैंक वगैरह से साफ सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे एक रबड़ दिया हुआ है जो वाटर आउटलेट का होता है, उसको अगर ओपन करके निकाल देंगे तो जितना भी पानी होगा, गंदे पानी होगा, पुराना पानी होगा, वो आप बिल्कुल आसानी के साथ इसको निकाल सकते हैं। ये थे बजाज DC 2050 डीलक्स के प्रोडक्ट फीचर्स एंड नॉलेज। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस चैनल में आप ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए VP Advice YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने।